हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल देख के आप सभी को पता चल गया होगा कि मैं आज किस टॉपिक में बात करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, जी हाँ, मैं अपने पूजा जी के बारे में और हमारी शादी कैसे हुई, हम उनसे कैसे मिले, उसके बारे में बात करने वाले फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो जॉब है यहीं जमशेदपुर में है और मैं यहीं रहता हूँ। तो बात है साल 2019 की। साल 2019 में हमारी शादी हुई थी और वह दिन था रविवार, 1 दिसंबर 2019। जी, हमारी शादी तो 2019 में हुई थी, लेकिन इसका बात जो है एक साल पहले लगभग शुरू हो चुकी थी, जिसकी जानकारी लगभग किसी को नहीं थी। सिर्फ अगर बोला जाए तो मन में वो बातें चल रही थी, या तो उनके फैमिली में या तो हमारे फैमिली में। जी हाँ फ्रेंड्स, शादी का बात शुरू हुआ था, वह साल था 2018। साल था 2018, वह दिन था 26 अप्रैल। जी हाँ, मैं अपने एक फ्रेंड, एक मित्र की शादी में, बराती में मैं गया हुआ था धनबाद। और धनबाद उस बराती में जाने के क्रम में मैंने वहाँ पर जो फॉर्मेलिटी निभाना पड़ता है एक बराती का, मैंने डांस भी किया था अपने फ्रेंड्स का शादी में, जो कि लगभग सब कोई करते हैं। तो उसके बाद जयमाला कार्यक्रम हो रहा था। उस जयमाला कार्यक्रम में मैंने इधर उधर कुछ वीडियो फुटेज बनाया और साथ ही साथ मैंने कुछ इमेज भी कैप्चर किया। और उस इमेज कैप्चर के दौरान एक ऐसा तस्वीर मेरे मोबाइल में कैप्चर हो गया कि जिसने ना कि मेरे मोबाइल में जगह बना ली, बल्कि मेरे दिल में जगह बना ली। एक सिनेमा में या फिर एक कोई भी आप लोग चाहे सीरियल हो, आप लोग देखते होंगे कि पहली नजर में पहला प्यार हो गया। बस वही घटना मेरे साथ घटा। मैंने जैसे ही कैप्चर किया, मुझे मतलब ऐसा लगा कि मेरे दिल में घंटी बज गई। वो लड़की इतनी क्यूट सी दिख रही थी, इतनी मासूम और इतनी प्यारी लग रही थी, और उनका हेयर स्टाइल भी हमको बहुत पसंद आया। एकदम डॉल सी, एकदम गुड़िया सी लग रही थी। तो मैंने तो किसी को बोला नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आता है पब्लिकली ये सब किसी से बात करने में। तो मैंने बोला नहीं, नहीं कि लिया मंजूर नहीं था ऊपर वाला। वो चाहता था कि वो आप बोले किसी ना किसी को, और मेरा मन था कि हम ना बोले कोई और, इसके लिए मेरे लिए मेरे पास प्रस्ताव लेकर आए। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने उनको वहीं पर भूल जाना सही समझा, नहीं कि ऊपर वाला नहीं चाहता था कि मैं भूलूं। नेक्स्ट अगले ही दिन था शुक्रवार 27 अप्रैल, मैं फिर अपने फ्रेंड्स के शादी पार्टी में जाता हूं और सेम वही प्रोसेस होता है। मैंने वीडियो बनाया, फोटो कैप्चर किया, और उसी बीच फिर से वो आ जाती है मेरे मोबाइल का इमेज में और वह कैप्चर हो जाती है। फाइनली मुझे यह मतलब लगने लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे इनके बारे में जानना चाहिए। तो मैंने पता किया तो पता चला यह लड़की जो है इसी फैमिली की है जिस घर में मैं आया हूँ अपने दोस्त के यहाँ, उनके मामा की लड़की है। तो अब उन लोग का फैमिली को तो पहले से मेरे बारे में जानकारी था, लेकिन हम इनके बारे में उतना जानकारी नहीं रखते थे या जानकारी नहीं था। तो उन लोगों ने प्रस्ताव रखा शादी के बारे में पहले से, निखिल हम इसको हल्के में लेते थे, हम ज़्यादा सीरियस नहीं लेते थे। फिर तब मैंने अपने मम्मी को लेके गया। नेक्स्ट दिन यानी पार्टी के नेक्स्ट दिन मैंने सोचा कि चलिए, जिस तरह एक मेरा बचपन से एक ख्वाहिश था कि अगर मैं शादी करूँगा तो सबसे पहले मेरे लिए लड़की जो देखेंगे मेरे मम्मी देखेंगे, अगर मेरे मम्मी को पसंद आ जाएगी तो हमें भी पसंद है। क्योंकि मैं हमेशा यह सुनते आ रहा हूँ कि सास बहू में बहुत ज़्यादा लड़ाई होता है, तो मैं यह चाहता था कि बाद में हमको इन दोनों के बीच में पिसना ना पड़े, इसलिए मैं अपनी मम्मी को लेके जाता हूँ और उनको ऑफिशियली तो नहीं बोल सकते हैं, ऐसे ही
बोल के आए कि हम लोग आ रहे थे इधर, जाना था कहीं धनबाद, तो सोचे भेंट कर लें, नए जो शादी होके आए हैं उनसे, तो भेंट हो गया। और जो भी था हम लोग का रीति रिवाज में लेन देन का देते हैं हम लोग। देने के बाद नाश्ता वास्ता करने के बाद निकले, और मैंने जब मम्मी को पूछा कि क्या ये लड़की आपको पसंद है, तो मेरे मम्मी ने कहा नहीं पसंद तो नहीं है। तो मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो लोग मेरे लिए लड़की देख रहे थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं जमशेदपुर में अकेले रहूं, और एक तो जॉब करता है, थके हारे आता है, फिर खाना वाना बनाता है, और बहुत सारी परेशानी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि वो अपने गांव छोड़ के यहाँ आए। उन लोग को यहाँ पसंद नहीं है जहाँ मैं अभी रहता हूँ, वह चाहते हैं कि अपने गांव में ही रहूँ। तो उन्होंने चाह ही रहा था कि मेरा शादी कहीं सेट हो जाए। अब वो लड़की तो उनसे हम मिलवा दिए लड़की से इनडायरेक्ट रूप से, लेकिन उनको पसंद नहीं आया। तब जाके फिर कुछ शादीराम घर जोड़ने मुझे परेशान करने लगा लगातार, तो मुझे भी जाना पड़ता था। और जब भी मैं धनबाद जाता था लगभग 2 से 3 दिन का छुट्टी लेके जाता था, और उस बीच में या तो कहीं लेके जाते थे लड़की दिखाने के लिए, तो पता चलता था किसी का उम्र मेरे से अधिक हो गया, या तो सेम एज का हो गया, या तो कुछ ना कुछ मेरा दिमाग में जो था उसके साथ वो मैच नहीं खाता था। मेरे दिमाग में पहले से ऐसा फिक्स हो गया था कि हमको ऐसा ऐसा लड़की चाहिए, वो मैच नहीं खाता था। तब जाके मेरे माइंड में था कि ऐसा एक लड़की के साथ मैं शादी करूं जो मेरे फैमिली को एक साथ जोड़ के रखे, यानी जॉइंट फैमिली में रहे। और मेरा किस्मत कुछ ऐसा ही था कि मेरे पास जो भी रिश्ता आता था उसमें एक लौती लड़की का ही आता था, यानी जो भी आता था छोटे फैमिली का आता था। तो खैर कोई बात नहीं, निखिल एजुकेशन से रिलेटेड या तो उम्र से रिलेटेड मुझे पसंद नहीं आया, 2-3 जगह देखा मैंने। तो मेरे ख्याल में बार बार ये बात आने लगी, मैं सुनता था कि उन्होंने फलना ने ढिल निकना ने एक शादी किया तो इन्होंने 50 लड़की देखा, 100 लड़की देखा। तो मैं सोचने लगा कहीं मेरे साथ भी ये घटना ना घटे, लोगों ने कहीं मेरे साथ भी ये टेक ना लगा दे कि इन्होंने इतना लड़की को रिजेक्ट किया। तब से मैंने जाना बंद कर दिया। मैंने अपना फैमिली को बोल दिया कि आप लोग देखिए अगर कहीं पसंद आता है तो बताइएगा। तो उन लोग नहीं रिस्क लेना चाहते थे, क्योंकि लड़का हमको रखना है, तो लोग उतना जाते नहीं थे कहीं देखने के लिए। लास्ट में फाइनली मेरे मम्मी ने खुद पूछा हमसे, क्या कहीं आप देख के रखे हैं लड़की, क्या आपको पसंद है कहीं, तो बताइए। तो मैंने बोला ऐसा कुछ तो बात नहीं है, लेकिन 2-3 लड़की है, आप ये सबको देख लीजिए, हमको अच्छा लगा था, यहाँ यहाँ देखे थे हम, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप उनका फैमिली से बात कीजिए। तो मैंने बताया, उन्होंने ट्राई किया, और 1-2 जगह ट्राई किया तो कुछ जगह कुछ वजह से नहीं हो पाया। और इनका फैमिली से जब पता चला तो उन लोग का भी यही तमन्ना था कि यह लड़का मेरे घर का दामाद बन जाए। वो लोग भी चाहते थे कि जो हमारे रिश्ता है वह और मजबूत हो जाए, जो अभी एक फ्रेंड सर्कल में चल रहा था वह एक रिश्तेदारी में बदल जाए। और इसी तरह फ्रेंड्स, मेरे मम्मी जब ऑफिशियल तरीके से जब वो जमशेदपुर आई, और उस लड़की को धनबाद से जमशेदपुर बुलाया जाता है और ऑफिशियल भेंट होता है, और मेरे फ्रेंड्स और मेरे भाई जाते हैं मुलाकात करने, वे उसे पसंद करते हैं, और तब जाके फिर बात आगे बढ़ती है। तो मेरे भैया मेरे पापा फिर लड़की के घर जाते हैं, वहाँ जाके उनको देखते हैं, फिर बात आगे बढ़ती है और नेक्स्ट बात आता है अब लड़का देखने का। तो मैं एक दिन सिर्फ गया धनबाद, उधर से जो भी आए बस उसी में फाइनल हो गया, क्योंकि वो लोग को पहले से मेरे बारे में पता था, वो लोग पहले से पता करके रखे थे, वो लोग चाहते थे कि हमारा फैमिली एक साथ आगे बढ़े, और जो अभी दोस्ती का रिश्ता है वो फैमिली में बदल जाए। और इसी तरह हमारी शादी 2019 में 1 दिसंबर दिन रविवार को बहुत ही धूमधाम से संपन्न होता है फ्रेंड्स। और मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के लास्ट और बीच में कुछ फुटेज भी दे दूं आपको कि हमारे शादी और हमारी मुलाकात, जो पहली नज़र में पहला प्यार हुआ था, जिसमें मैंने अपना दिल उसी टाइम दे बैठा था पूजा जी को, मैं उस फोटो को भी आपको साझा करूं। थैंक यू फ्रेंड्स।